चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है लाभ हानि। लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके बहुत ही दमदार, शानदार और जबरदस्त होने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, ये आपका प्रीमियर है। ठीक है, यानी कि प्रीमियर यानी कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मतलब पहले ही मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन आपको ये बिल्कुल लाइव की तरह चल रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी दोस्त आ गए हैं सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले एक जानकारी, जैसे कि दिवाली आ रही है, सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दिवाली आपके है ना जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सभी जो कोर्सेस हैं, जितने भी कोर्स है लेयर 3 पर, उस पर अभी आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। किसी पे 70% का डिस्काउंट है, किसी पर 50%, ऐसे करके सभी ऑफर पर है ना, सभी आपके ऑफर चल रहे हैं। जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप पटवारी के लिए तैयार कर रहे हैं तो 1000 का जो कोर्स है अभी मात्र 299 में आप लोगों को मिल रहा है। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसमें सारे चैप्टर आप लोगों को मैथ्स के पढ़ाए जाएंगे, जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 30 या 33 टॉपिक है मैथ्स के, वो सारे इसमें करवाए जाएंगे। साथ ही साथ वैलिडिटी जो है वो भी पूरे साल की है, यानी कि 1 ईयर की पूरी वैलिडिटी है। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये आपके 25 अक्टूबर तक रहेगा दोस्तों। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, उसके लिए ऐप डाउनलोड करना, ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन में ये कोर्स आपको दिख जाएगा। अगर आप लोग पटवारी के बजाय MPSI MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो पैक, यानी कि मैथ्स भी है उसमें रीजनिंग भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 की जगह 299 में आप लोगों को ये कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी भी वैलिडिटी आप लोगों की 1 साल की है। साथ ही साथ ये ऑफर 25 अक्टूबर तक रहेगा। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा इसे ध्यान से, और साथ ही साथ इसमें मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा ताकि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे, और उम्मीद करता हूं आप लोग सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के देखते हैं। 10 क्वेश्चन में से आप लोगों के ईमानदारी से अगर देखें तो कितने सही होते हैं, ये हम लोग आज चेक करेंगे, आप खुद चेक करेंगे। देखो मैं तो चेक करने से रहा है ना, व्यक्ति खुद अपने आप को चेक करे वही बेहतर है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा, इतने में पानी पी लेता हूँ है ना, अभी खांसी हो रही है तो थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत होगी, उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने किया होगा, आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, एक ही मूल्य पे बेचता है, ये वाली लाइन आप लोग याद रखिएगा कि भैया एक ही मूल्य पर वो बेचता है। ठीक है, एक चीज, और पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य एक का 10,000 है, दूसरी का कितना होगा। देखो यहां से चलते हैं कि क्रय मूल्य है ना, पहली वस्तु का 10,000 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अभी हमको पता नहीं है, वो एक्स मान लेते हैं, और जो पहली वस्तु है उसे बेचते समय 20% का लाभ होता है। देखो 10,000 रुपए की कोई वस्तु है ना, आप खुद मान लीजिए आपके पास कोई 10,000 रुपए की चीज है, उसे आप 20% लाभ पर बेचिए। 20% लाभ यानी कि जैसे 10,000 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे 1,000, और 20% कितना होता है 2,000, यानी कि 10,000 को 20% लाभ अगर आप लेकर के बेचे तो आप उस वस्तु को 12,000 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे दोस्तों, 12,000 में बेचेंगे, यानी कि पहली वस्तु 12,000 रुपए में बेची जा रही है। अब मैंने यहां पर एक लाइन पढ़ी थी कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पे बेचता है, मतलब दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पे बेचेगा, मतलब ये अगर 12,000 में बेच रहा है तो दूसरी वस्तु भी कितने में बेचेगा, 12,000 रुपए में बेचेगा। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, 12,000 में पहली बेच रहा है, दूसरी भी 12,000 में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो दूसरी वस्तु बेची थी ना, हाँ उस पे क्या हुआ, उस पे 25% का लाभ प्राप्त हुआ। भैया उस पे 25%
25% का लाभ हुआ, यानी कि 12,000 में बेचा, इसमें 25% का लाभ शामिल है, मतलब ये 125 के बराबर है। और क्रय मूल्य अगर चाहिए तो 100 का गुणा, बहुत ही आप सोल्व करिएगा इसको, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और 5 से आप इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, और यहां 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 जीरो 24 चौक 96, यानी कि 9,600। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आपका 9,600 रुपए पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर है दोस्तों? यहां तक बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? क्या किया? क्रय मूल्य से पहले विक्रय मूल्य पे आए, कैसे? 10,000 पर खरीदी थी, 20% लाभ था तो 12,000, और ये 12,000 की तो ये भी 12,000 की। और कोई वस्तु 12,000 में बेचने पर अगर 25% का लाभ हो रहा है तो वो वस्तु कितने की रही होगी? तो 9,600 की रही होगी। उम्मीद करता हूं आपको एक नंबर मिल गया होगा, है ना? अगर आप लोग काउंट कर रहे हैं तो एक नंबर आपको मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप इसे पढ़िएगा ध्यान से, अपना समय लीजिए 30 सेकंड, जो भी आपका टाइम आपको लगता है क्वेश्चन को करने में, 30 सेकंड या 1 मिनट का समय मिलता है एग्जाम में, ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है? तो आप 1 मिनट या 30 सेकंड ले लीजिए और इसका आंसर करिए। दोस्तों क्या लिख रखा है? राकेश 2 साइकिलें 1,200 रुपए और 1,500 रुपए में खरीदकर एक को 20% लाभ पे बेचता है, दूसरी को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य सेम रहे, यानी कि दोनों को बेचने पर सेम टू सेम पैसे मिले। चलिए बताइएगा सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग प्रीमियर देख रहे होंगे, जितने लोग रेगुलर ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी, जितने भी दोस्त ये प्रीमियर देख रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है? क्योंकि आप लाइव ना होने के बावजूद भी इस प्रीमियर को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ठीक है, और तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो फिर तुम मेरा ये मिठाई भेज देना चुपचाप, ठीक है? चल हाँ, अब देखो क्रय मूल्य दोनों वस्तु है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु दोनों को 1,200 और 1,500 में खरीदा, मतलब ये पहली वाली वस्तु तो 1,200 रुपए की है और दूसरी वाली वस्तु 1,500 रुपए की है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एक को 20% लाभ पर बेचता, मतलब पहली वाली को मान लो 20% लाभ पर बेचेगा, है ना? और दूसरी को कितने परसेंट? पहले तो 20% में बेचो इसको, 1,200 का 20% कितना होता है? 1,200 का 1,200 का 20% कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 20% तो 12 दो 24, 240 रुपये होता है, 240 रुपये लाभ जोड़ करके बेचेगा तो 1,440 में इसको बेचेगा, 240 क्या लाभ जोड़ेगा इसमें, है ना? और ये 1,440 में बेच रहा है तो ये भी 1,440 में बेचेगा, दूसरी वस्तु भी 1,440 में। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य समान रहे, सेम टू सेम रहने वाला है, ये 1,440 है तो ये भी 1,440 है। अब दूसरी वस्तु थी 1,500 रुपए की, बेच दी उसने 1,440 में, अरे यार ये तो लफड़ा कर दिया, ये नुकसान कर दिया 60 रुपए का, 1,500 की 1,440, 60 रुपए का नुकसान। और परसेंटेज में पूछा है तो हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज बराबर होता है हानि ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुणा 100, 60 रुपए की हानि हो रही है किस पर? 1,500 पर। कितना परसेंट? 100 का गुणा 2 जीरो 2 जीरो, 15 चौक 60, यानी कि 4%, तो 4% लॉस होगा, ठीक है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो 4% हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िएगा, ठीक है? थोड़ा सा है ना ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, पहली मशीन उसे 20% हानि तथा दूसरी मशीन पर उसे 25% का लाभ हुआ, यदि पहली मशीन 6,250 में खरीदी थी तो दूसरी मशीन उसने कितने रुपए में खरीदी थी, ये आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा दोस्तों, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? ठीक है, 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास, ठीक है? आप कर रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया है ना, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, देखो क्रेमुली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसने कहा जो पहली है वो 6,200, दोनों मशीनें, पहली मशीन दूसरी मशीन, पहली 6,250 में खरीदी और इसे बेचते समय पहली मशीन को उसे 20% हानि पर और दूसरी पर, है ना, पहली पर 20% की हानि हुई, ठीक है, 20% लॉस पर बेचा, तो 6,250 का 20% कितना होता है? तो आप 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 625 का डबल 600 का 1,200 और 25 का 50, तो 1,250 रुपये उसने लॉस पर बेची। 1,250 अगर लॉस लेकर के हम बेचे तो 6,000 में से 1,000 गया, 5,000, और 250 में 200, तो 5,000 में उसने पहली मशीन को बेचा। और उसने कहा कि दोनों मशीनें एक ही मूल्य पे बेची थी, मतलब ये 5,000 पे बेची थी तो ये वाली भी 5,000 पे बेचेगा, कोई दिक्कत, और ये 5,000 में बेचने पर उसे 25 का लाभ हुआ था, तो वो मशीन कितने की थी? 25 का लाभ हुआ, मतलब ये 5,125 के बराबर है और क्रय मूल्य चाहिए तो 100 का गुणा, ठीक है, 125 से 4 बार करेंगे तो 500 आ जाएगा, और 40 गुणे 100 करेंगे, यानी कि दूसरी वाली मशीन उसने कितने में खरीदी थी? 4,000, तो 4,000 इज द करेक्ट आंसर। 4,000 आप लोगों का बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर बन रहा है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, और दिवाली ऑफर अभी चल रहा है तो ये ऑफर लास्ट ऑफर रहेगा, ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करना है कर लेना, फिर ऑफर आपका 1-2 महीने बाद, है ना, देखने को मिले तो आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाना, जो लोग बच गए, मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो ये कोर्स ले रखा है, और दिवाली के बाद इसमें हम लोग लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो जिनको लेना है ले लेना आप 299 में, और बिल्कुल 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी और 25 अक्टूबर तक ये ऑफर आपका रहेगा, ठीक है, उसके बाद प्राइस आपकी 1,000 रहने वाली है, ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है आप बिल्कुल कर ले, ठीक है, और गारंटी है बिल्कुल, आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको बिल्कुल मदद करेगा, और मैथ्स का जो आपका डर है कि भैया मैथ्स में हम सीख नहीं सकते, आप इस कोर्स को लेकर के पढ़ना शुरू करिए, और गारंटी है आप लोगों को समझ में आएगा, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल आपको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 299 फीस वापिस कर देंगे, है ना, अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें निश्चिंत होकर के और पढ़ना शुरू करें, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर उसे 10% की हानि, दूसरी पर 5% की हानि होती है, यदि पहली गाय 9,500 में खरीदी थी तो दूसरी गाय उसने कितने रुपए में खरीदी थी? ये आप लोग आंसर करिएगा सभी दोस्त, क्या आंसर बन रहा है? ये सुबह से क्लासे ले रहा हूँ, ये चौथी क्लास है, तो 4 घंटे बोलते बोलते खांसी जो कम थी वो थोड़ी ज्यादा हो गई। मेरी तरफ मत देखो और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पे बेचता है, देखो पहली गाय और दूसरी गाय, पहली गाय और दूसरी गाय, है ना, और उसे एक पहली वाली 9,500 में खरीदी, 9,500 में पहली वाली खरीदी और इसको 10% हानि पर बेचा, पहली वाली पे हानि कितनी हुई? 10% की, तो 9,500 का 10% 950 होता है, 950 का घाटा खाकर उसने कितने में बेची होगी? तो आप माइनस कर सकते हैं, 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 5 और इधर 8, 8,550 में पहली वाली गाय उसने बेची होगी। अब 8,550 में पहली गाय बेच रहा है तो दोस्तों दूसरी वाली गाय भी कितने में बेचेगा? 8,550 में ही तो बेचेगा, बिल्कुल सही, है ना, और वो बोल रहा है कि यार दूसरी वाली जो बेची थी उसमें 5% की हानि थी, मतलब ये जो 8,550 में बेची थी ये 5% हानि के बराबर है, मतलब ये 95 के बराबर है, और आपको क्रय मूल्य चाहिए दूसरी का तो गुणा आप 100 कर दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काट सकते हैं, 5 से कटेगा, या 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, और 5 से इसको काटो, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 7 35, है ना, और 5 एकम 5 फिर 0, और 19 से कितनी बार कटता है दोस्तों? 19 के पहाड़े में 9 बार आता है, हाँ 9 बार आता है, ठीक है, और 90 90 गुणित 100 यानी कि 9,000, यानी कि पहली गाय तो 9,500 में और दूसरी गाय उसने 9,000 में खरीदी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं,
तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक कर ही देना है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, है ना, मन तो था नहीं बनाऊँ पर है ना कुछ मिलना चाहिए, है ना, ठीक है। इसलिए क्या है कि फिर क्लास नहीं रहती है तो फिर थोड़ा बहुत सीखेंगे आज, है ना, ये क्वेश्चन सीख रहे हैं यही हो गए, मान लो एग्जाम में आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल जैसे, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सॉल्व करिएगा सभी दोस्त, आंसर करने की कोशिश करिएगा। पांचवे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या बन रहा है, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे उसने क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे चर्चा करते हैं। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाली और विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाली। उसने कहा 20% लाभ पे कोई वस्तु बेचता है, जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए की कोई चीज लेकर के आता हूँ, अगर मैं उसे 20% लाभ पर बेचता हूँ तो 100 की चीज कितने बेचूंगा, तो आपका जवाब आएगा जी 120। कितना आएगा, अगर 100 रुपए की चीज को 20% लाभ पर मैं बेचता हूँ तो आप कहेंगे 120 में बेचा, ठीक है। वो बोल रहा है यदि, यानी कंडीशन, कंडीशन क्या लगी, कंडीशन नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। कंडीशन ये है कि अगर वो 20% अधिक पर खरीदता, मतलब जहां वो 100 रुपए में खरीद रहा है उसको 20% अधिक पे खरीदता, मतलब कितने में खरीदता, 120 पे, और 10% लाभ पे बेचता, मतलब 120 पे 10% लाभ, 10% कितना होता है 12 रुपए, 120 का 10% कितना होगा 12 रुपए, 12 रुपए अधिक में बेचता, मतलब 132 में बेचता, तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। कितने रुपए मिलते, पहले के विक्रय मूल्य से कितने अधिक मिलते, 120 रुपए। अब ये 120 है और यूं अगर देखें तो यूं 12 रुपए का डिफरेंस है, तो ये 120 12 के बराबर है, और आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो गुणा किसका करेंगे, 100 का, 12 से करेंगे 10 बार, 10 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि वस्तुओं का क्रय मूल्य, उसके सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वो 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नजर डालिएगा। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो देखो मेरी बात सुनना, विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो यहां से पता चलेगा कि 7 जो है वो तो विक्रय मूल्य है और 2 क्या है, लाभ। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको पता है लाभ प्रतिशत जब भी ज्ञात करना हो तो लाभ आप ऊपर लिखते हैं, नीचे आप क्रय मूल्य लिखते हैं और गुणा 100 करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो विक्रय में से आप लाभ माइनस कर दीजिए। विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ माइनस कर देते हैं, जैसे 7 में से 2 आप माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य 7 है, लाभ 2 है, 7 में से 2 गया तो 5। अब 2 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 5 पर, तो गुणा आप 100 का करेंगे तो 2/5, यानी कि 5 से करेंगे तो 20, और 20 दुना कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो 40% इज द करेक्ट आंसर, सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताई दिया, जो दोस्त भी चैप्टर वाइज क्लास ज्वाइन करना चाहे, अभी 1000 की जगह 299 में आपको दिवाली ऑफर के तहत यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, और दिवाली के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और ये ऑफर आपका 25 अक्टूबर तक रहेगा दोस्तों, ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, और बेहतरीन कोर्स है, जो लोग बच गए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार करता है, और उसने एक अलमारी 15% लाभ पर और दूसरी अलमारी 10% लाभ पर बेची, इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत आप लोग ज्ञात करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को एलिगेशन मेथड का पता है तो ये क्वेश्चन
चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा, और अगर ये नहीं पता है फिर आपकी लेंदी प्रोसेस बनेगी, है ना। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर आपको 10,000 रुपये, है ना, कि दो अलमारी तैयार करता है, एक को फिर 10-15% लाभ पर, फिर दूसरी को, है ना, 10,000 रुपये में दो अलमारियां, तो एक जो अलमारी है वो 100 रुपये की मानना पड़ेगी और उससे अगली जो अलमारी है वो 10,000 - x की मानना पड़ेगी, फिर x पे 15% का लाभ, यानी कि 115/100, और बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है। और सिंपल प्रोसेस ये है कि 15% आप यहाँ लिख देंगे, 10% आप यहाँ लिख देंगे और 12% का कुल लाभ आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ 15 और 12 का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा दोस्तों, और 10 और 12 का डिफरेंस आपका आ जाएगा 2। तो 2-3 के अनुपात में आप इस 10,000 को बांट दीजिए, यही उन दोनों अलमारियों का मूल्य है। तो 10,000 बराबर हो जाएगा 2 और 3 5 के, और पहली अलमारी का पूछे तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 2,000, 2,000 दूना 4,000, यानी कि पहली अलमारी का मूल्य 4,000, और 2,000 × 3 करेंगे तो दूसरी अलमारी का 6,000। तो दोनों अलमारियों का मूल्य यहाँ पर पता है 4,000 और 6,000। तो बिल्कुल सही जवाब जो आपका आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना मेरे सभी दोस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि कैसे करना है, आप आंसर लाइएगा सभी दोस्त, ठीक है। 25,000 वाले क्वेश्चन में देखिएगा कैसे करना है, अब मैंने जो तरीका बताया है उसी तरीके से करिएगा, आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो तो देखो कुछ नहीं करना है। एलिगेशन वाली मेथड में क्या करते हैं, देखो पहला जो 10% लाभ है उसको यहां लिखिएगा, 20% लाभ को यहां, और जो कुल लाभ हो रहा है, टोटल लाभ 14% का है, तो 14 यहां पर लिखिएगा। तो 10 और 14 का डिफरेंस 4, 20 और 14 का डिफरेंस 6, तो 6 और 4 को आप और काट करके 2 3 6 और 2 2 4 कर सकते हैं, 3 2 के अनुपात में। और ये जो 25,000 रुपये है, 25,000 के नीचे 3 और 2 5 कर दीजिएगा, तो 1:5,000 आ रहा है, और 5 3 15, यानी कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए का है, 15,000। तो ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है वो बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, HW करके आंसर लिखिएगा। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं होमवर्क का आंसर कितने दोस्त करते हैं, और लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा, देखते हैं कितने दोस्तों का आंसर यहाँ पर पता है। ठीक है, व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, 40 पेन 5% की हानि पे बेचे, अगर कुल 10% लाभ चाहता हो तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिन दोस्तों को चैप्टर वाइज पढ़ना है वो बिल्कुल पटवारी का कोर्स ज्वाइन करना चाहे वो भी अभी 299 में है, और अगर MPSI का करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को अभी 299 में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सभी कोर्सेज पर आपके ऑफर चल रहे हैं, आप सभी दोस्त Layer 3 का ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें आप लोगों को सभी प्रकार के कोर्सेज, इंग्लिश वगैरह, टीचर के लिए वर्ग 2, है ना, वर्ग 3 के लिए, सभी के लिए आपके कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।